एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, आज मैं फिर से आपके लिए जो है ना थाल पोस्ट लेके आई हूँ, वो एकदम ही अलग सा और फटाफट से बनने वाला है। तो ये डिज़ाइन मैंने ना अभी तक नहीं देखा है यूट्यूब पे, एकदम अलग से बना रही हूँ। तो है ना, अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना, आप लाइक करने में बहुत कंजूसी करते हैं। तो चलिए फटाफट से इसमें ना नॉट लगा ली। नॉट लगाने के बाद 1 2 3 4 5 चैन लेंगे, और 5 चेन लेने के बाद ये लास्ट वाली चेन में डाल के इसे ज्वाइन कर देंगे, और ये 3 चेन ले लेंगे। 3 चेन लेने के बाद 1 डबल क्रोशिया 2 ऐसे ही इसमें ना डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो हमें जो डबल क्रोशिया बनाने हैं वो 12 डबल क्रोशिया बनाने हैं। तो 12 बना के फिर दिखाती हूँ मैं। तो ये देखिए, हमने इसमें ना 12 डबल क्रोशिया बना लिए हैं। अब ये चेन में डाल के हम इसे ज्वाइन कर लेंगे। अब फिर से हम यहाँ पे ना 2 चेन लेंगे, और ये एज अ डबल क्रोशिया होगा, ठीक है। और एक ये हम डबल क्रोशिया बनाएंगे अगली चेन में। फिर अगली चेन में जाएंगे और यहाँ पे भी हम 2 डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ऐसे ही पूरे में हम एक चेन में 2-2 डबल क्रोशिया बनाते जाएंगे। तो पूरे को बना के फिर दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए, इस तरह से है ना, हमने पूरे में ना 2-2 डबल क्रोशिया एक एक चेन में बना लिया है, ठीक है। अब हम इसे है ना, जो हमने ये चेन ली थी उसमें डाल के है ना ये ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। ज्वाइन करने के बाद फिर से एक चेन लेंगे, 3 ये चेन ले ली, और फिर से हम इसमें इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर एक चेन लेंगे, और अगली ही चेन में हमें डाल के ये देखिए 1 डबल क्रोशिया और 2 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर उससे अगली चेन में जाएंगे, उसमें हमें 1 डबल क्रोशिया बनाना है। फिर एक चेन लेनी है, और अगले ही में डाल के हमें 2 डबल क्रोशिया बनाने हैं। फिर 1 डबल क्रोशिया बनाना है उससे आगे वाले में, और फिर एक चेन लेनी है। तो हमें है ना ये राउंड ऐसे ही पूरा करना है। देखिए, पहले एक चेन में हमें 2 डबल क्रोशिया, और एक चेन में 1 डबल क्रोशिया, फिर एक चेन, फिर 2 डबल क्रोशिया, 1 डबल क्रोशिया, फिर से एक चेन। तो ऐसे ही ये पूरा का पूरा राउंड कंप्लीट करेंगे, पूरा करके फिर दिखाते हैं। तो ये देखिए, इस तरह से है ना, ये लास्ट में भी हमने 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया इस तरह से बना लिया। फिर एक चेन ले ली, और ये जहाँ पे हमने चेन ली थी ना, वहीं पे डाल के हम एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे, और अब इसे चेन में डाल के इसे ज्वाइंट कर देंगे। तो अब देखिए, ये 2 डबल क्रोशिया और 1 डबल क्रोशिया अलग अलग हो गया है ये वाला। तो ये ऐसे बन गया है। अब हमें आगे क्या करना है वो मैं बताती हूँ। देखिए, ये ना ऐसे करके ना आगे की साइड में ले जाएंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। ये हम सिंपल निकाल के ना ये आगे की इस पे ले आए। फिर हम यहाँ पे 1 2 3 चेन लेंगे, और जो ये हमारा ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ है ना, इसके बीच में हमें डबल क्रोशिया ही बनाना है, ठीक है। एक जो हमने ये चेन बनाई है वो डबल क्रोशिया हो गया कोने पे, फिर डबल क्रोशिया के ऊपर डबल क्रोशिया, और जो ये आगे वाला डबल क्रोशिया है उसके ऊपर एक डबल क्रोशिया। तो ये टोटल हमारे 4 हो गए, ठीक है। अब हम एक चेन लेंगे, और देखिए पहले यहाँ पे 1 डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर यहाँ पे 2 डबल क्रोशिया, और फिर इसके अंदर अगले वाले पे 1 डबल क्रोशिया। तो ये टोटल 4 डबल क्रोशिया हो गए। फिर से एक चेन लेंगे, और इसी तरह से हमें बनाना है। ये इस तरह से 2 डबल क्रोशिया हो गए, और ये एक के ऊपर एक, तो ये टोटल 4 हो गए। अब एक चेन लेंगे, और फिर से इसी तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये पूरा कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए, इस तरह से है ना हमारा ये पूरा हो गया है, और ये इस चेन में डाल के हम इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये अब हमारे है ना ये 4-4 डबल क्रोशिया हो गए हैं, ठीक है। तो ये देखिए, इस तरह से ना हम ये यहीं पे डाल के ना नॉट लगाएंगे, और ये हमारा
कट हो गया वाइट। अब हम इसमें ना ये ग्रीन वाली ऊन लगाएंगे, ठीक है। तो ये यहीं पे कर सकते हैं जहाँ पे चैन है, किसी भी चैन वाले पे लेके इस तरह से ले लेंगे और एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और फिर यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो, दो चैन लेंगे और यहीं पे डाल के अब हमें दो फंदे निकालने हैं डबल क्रोशिया के और एक ये वाला एक इसके ऊपर ही रहने देना है, फिर से डालना है, फिर से दो फंदे निकालेंगे एक के ऊपर, तो ये टोटल तीन हो गए और तीनों को एक साथ निकाल देंगे, ठीक है। फिर एक दो, दो चैन लेंगे, अगले वाली चैन पे जाएंगे और यहाँ पे भी हम इसी तरह से दो फंदे निकालेंगे एक क्रोशे के ऊपर, फिर से दो निकालेंगे एक क्रोशे के ऊपर, टोटल तीन हुए और इन तीनों को एक साथ निकाल के फिर से दो चैन लेंगे और यहाँ पे फिर से सेम प्रोसीजर हम करेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से हमें ये बनाना है, ठीक है। फिर से दो चैन लेंगे, अगली चैन पे जाएंगे और ये दो फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर, फिर से दो फंदे निकाले एक क्रोशे के ऊपर और इन सबको एक साथ निकाल दिया, फिर दो चेन ली और ये देखिए इस तरह से हमने बना लिया, ठीक है। फिर दो चेन लेंगे और अगली चेन पे जाएंगे, तो ऐसे ही ये पूरे में बना लेंगे, तो पूरे में बना के फिर दिखाती हूँ। तो ये देखिए इस तरह से हमने ना ये पूरा का पूरा बना लिया, लास्ट में दो चेन लेके और ये हम यहाँ पे इस तरह से ज्वाइन करके ये कट कर देंगे, ठीक है। अब हम ये देखिए दूसरा कलर लेंगे, अगर आपको कट नहीं करना है तो आप यहीं पे ना ये दूसरा कलर इस तरह से ज्वाइन कर लीजिए, तब इसे कट कर लीजिए और ये आगे वाले में डाल के इसे इस तरह से चैन पे ले आइए। और यहाँ पे हमें क्या करना है, इस तरह से तीन चैन लेनी है और फिर हम इसमें एक डबल क्रोशिया, ये दो तीन चार और ये पांच डबल क्रोशिया लेंगे, इस फंदे को ऐसे ऊंचा करके ना निकाल देंगे और जो ये पांच डबल क्रोशिया हो गए और एक ये चैन, तो टोटल छह हो गए। तो अब जो ये चेन है ना इसमें डाल के हम इस तरह से इसे ज्वाइंट कर लेंगे, ठीक है। ज्वाइंट करने के बाद ये देखिए इस तरह से ले आएंगे तो एक छोटा सा पफ बन जाएगा। अब हमें क्या करना है, इसमें देखिए ये जो ये बीच में जगह है इसमें डाल के हम इस तरह से एक सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन, तीन चैन लेंगे और ये लास्ट वाली चैन में डाल के इस तरह से निकाल लेंगे और फिर इसी में डाल के एक और, इसी में डाल के एक और सिंपल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक दो तीन चैन लेंगे लास्ट वाली में डालेंगे और इसे निकाल देंगे, ठीक है। फिर यहीं पे डाल के एक और सिंपल क्रोशिया, फिर से तीन चैन और ये लास्ट वाले में डाल के इसे ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद हमें क्या करना है, देखिए ये जो अगली दो चैन थी ना ये इसमें डाल के इस तरह से एक हाफ डबल क्रोशिया हम बना लेंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह, ठीक है, हाफ डबल क्रोशिया हो गया। फिर हम यहाँ पे अगले वाले उसमें जाएंगे और यहाँ पे फिर से हम एक डबल क्रोशिया, दो तीन चार पांच और ये छः, छः डबल क्रोशिया ले लेंगे और जो ये हमारा लास्ट वाला डबल क्रोशिया है उसमें डाल के इसे निकाल लेंगे, ठीक है। निकालने के बाद यहाँ पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया, फिर से वही तीन चैन और लास्ट वाली चैन में डाल के इसे निकाल देंगे और यहीं पे डाल के एक सिंपल क्रोशिया, फिर से तीन चैन और फिर से ये डाल के निकाल लिया, फिर से एक सिंपल क्रोशिया, तीन चैन
लास्ट वाली चेन में डाल के निकाल दिया और यहीं पे डाल के हमने इस तरह से सिंपल क्रोशिया बना लिया। तो ये देखिए तीन हमारे बन गए हैं, ठीक है। अब हम अगली चेन पे जाएंगे और यहाँ पे हम एक हाफ डबल क्रोशिया इस तरह से बना देंगे, ठीक है। उसके बाद में ये जो हमारी अगली चेन है उस पर फिर से इसी तरह से छह डबल क्रोशिया लेंगे और जैसे हमने ये बनाया है ना सेम वैसे ही यहाँ पे बनाएंगे और इसमें ना पूरे में बनाते चले जाएंगे, ठीक है। तो पूरे में बना के फिर मैं दिखाती हूँ आपको। तो ये देखिए जहाँ से हमने ये शुरू किया था ना लास्ट में दो चेन लेके और ये इसी के पास में ऐसे डाल के हम यहाँ पे इसे निकाल देंगे और यहीं पे हम इसे है ना इस तरह से ज्वाइन कर देंगे। ये दूसरा कलर है क्योंकि मैंने इसमें ना दो कलर में बनाया है। तो ये देखिए हमारा पूरा बन के ना ये तैयार हो गया है। ये देखिए पूरा का पूरा ये है ना काफ़ी सुंदर लगता है देखने में भी और ये काफ़ी बड़ा ऐसे इस तरह से पूरा का पूरा बन के है ना ये तैयार हुआ है। इसे हम यहाँ से ना कट कर देंगे और अगर आपको टी कोस्टर बनाने हैं तो आप इतना ही बनाइए इसी तरह से। अगर आपको बड़ा बनाना है क्योंकि मुझे ये है ना काफ़ी मैंने ना मुझे कई बनाने थे तो मैंने ये ना दो तीन बना के है ना ये रख लिए। मैंने टोटल छः बनाए हैं ये, तो ये इस तरह से मैंने अलग अलग कलर में बनाए हैं, ठीक है। ये देखिए ये मैंने रेड बनाया था, ये मैंने ऑरेंज बनाया है। तो इसी तरह से और भी बनाना है। अगर आपको इसी में थालपोश चाहिए तो मुझे कमेंट करिए, मैं ना उसमें भी बता दूंगी कि इसी में बड़े वाले थालपोश किस तरह से बनाना है। या फिर अगर आपको है ना इसी में हमें है ना टेबल रनर बनाना है तो वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो चलिए मिलते हैं अब एक नई वीडियो के साथ। बाय एवरीवन एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको ये कैसी लगी ये कमेंट करके ज़रूर बताना।